Hello friends, this is Siddharth and welcome to my Blast Furnace YouTube channel. Today I am just going to calculate about the air calculation, that means blast calculation by reverse method. Before I calculated how to calculate the gas volume, how to calculate the air per ton of hot metal. Now this topic will be blast volume calculation by the nitrogen balance. ये reverse करके मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे आपको ब्लास्ट वॉल्यूम सॉरी गैस वॉल्यूम लेके आप कोल्ड ब्लास्ट निकाल सकते हैं. एक मैं उसको आपको बताऊंगा, वो छोटा सा फॉर्मूला है, उसी से आप कर सकते हैं. वेरी सिंपल है. तो कैसे निकालेंगे, ये एक फार्मूला है. जो भी है, जो भी आपका ब्लास्ट जो भी गैस वॉल्यूम निकल रहा है, आपको सोचिए आपका ग्लास गैस जो वॉल्यूम है, ये जो भी आपको मिल रहा है पर आवर, ये गैस वॉल्यूम जो भी है, सोचिए कि आपका 75,000 जा रहा है, 75,000 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर, ये आपका जो भी है गैस प्रोड्यूस हो रहा है 75,000. तो आपको सबको पता है कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन रहता है वो है आपका 78%, 78 समथिंग. आप 78 पकड़िए, नाइट्रोजन इन ब्लास्ट जो भी यार में है वो ब्लास्ट में है वो है 78% पकड़िए, 78% ये आपका. और आपका बीएफ गैस में जो नाइट्रोजन आता है वो जो भी आप इनपुट कर रहे हैं एयर में, जो भी ब्लास्ट दे रहे हैं नाइट्रोजन दे रहे हैं, वो आउटपुट में इतना नहीं निकलता है. मगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट, जो भी आप दे रहे हैं जो भी मास जा रहा है 78 हिसाब से, और आपका आउटपुट में भी उतना निकलेगा, सिर्फ परसेंटेज में वेरी करेगा. तो वो वेरी क्यों इसलिए कर रहा है कि जो भी आप नाइट्रोजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन दोनों दे रहे हैं तो आपको कार्बन से रिएक्शन करके दो चीज़ बनता है, मैंने पहले भी बताया हूँ, वो है CO और CO2, और कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी मिलता है. तो बाकी जो रेस्ट रहा वो है आपका नाइट्रोजन. तो आप सोचिए ब्लास्ट फर्नेस बीएफ गैस में जो भी CO और CO2 रहता है, CO में पकड़िए 18-20% है, 20-20%, 20-22 वेरी करता है, आपको डिपेंड करता है आपके पैरामीटर ऊपर में. और मैंने ऐसे ही एवरेज में लिया हूँ. आप सोचिए कि CO है जो है और 20-20% और CO2 जो है 18-20% और हाइड्रोजन जो है 1.5%. इसको मिलाने के बाद 100 से जो माइनस कर जितना होगा वो है आपका नाइट्रोजन. सोचिए आपका नाइट्रोजन जो है बीएफ गैस में है वो है 56% नाइट्रोजन इन बीएफ गैस वो है 56%. ये तीनों चीज का जरूरत है. तो आपको इसी से आप निकाल सकते हैं कि कोल्ड ब्लास्ट आपका या ब्लास्ट वॉल्यूम कितना जा रहा है. तो वो सिंपल फार्मूला ये है, बीएफ गैस बीएफ टोटल बीएफ पकड़ी टोटल जो भी जा रहा है टोटल बीएफ गैस इनटू परसेंटेज ऑफ बीएफ नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन गैस डिवाइडेड बाय जो भी एटमॉस्फेयर रहता है वो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर एयर ये है फॉर्मूला. टोटल बीएफ गैस इनटू परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन गैस डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एयर. मैंने बताया था एयर में जो है 78% है और गैस में आपका 56 है, और जो भी गैस जा रहा है तो बीएफ गैस कितना जा रहा है, मैंने उसे बोला था 75,000
75,000 इंटू कितना परसेंट है, 56% है, डिवाइडेड बाई एआर में कितना है, 78 है। ये आपका आया 75,000 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 78, ये आपका आ गया 53,846 नॉर्मल मीटर क्यूब बराबर। ये जो निकला है वो आपका है कोर ब्लास्ट, यहाँ पे लिखा रहा हूँ ब्लास्ट वॉल्यूम, ये आपका ब्लास्ट वॉल्यूम, आपका ब्लास्ट वॉल्यूम कितना निकला, 53,846। आप ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल होने याद रखने से आपको भी पता चल जाएगा कितना कोल्ड ब्लास्ट जा रहा है आपका गैस बलून हिसाब से। चलिए, थैंक यू।